हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। जो बेमेल का अन भाई रुकिए ना, आई कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ऑल्सो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट द टाइम, आई विल एक्सप्लेन लेटर। माननीय ज्यादा चूंकि कोई बोलता हाइजेक के विषय में जानकारी नहीं, कोई बोलता 1 2 3 क्या है रे भाई, ये 1 2 3 सब MP साहब लोग जानिए, आप लोग जानते, हमसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, एक से एक थिंक टैंक लोग बैठे हुए हैं। ये एग्रीमेंट का नाम है 1 2 3 एग्रीमेंट, और जो हाइजेक है ये हाइजेक कांग्रेस वो अमेरिका के सीनेट का है, उसमें उसको वो हम पर बाध्यकारी नहीं है, अगर वो ले जाएगा अपने सीनेट में तो राष्ट्रपति को ये अधिकार हाइजेक देता है। वासुदेव बाबू हम अकेले रेल मंत्री नहीं है, वासुदेव जी आज सुबह टेलीविजन चैनल पर अरे क्या हो गया, उन्होंने भाषण आपके बारे में तो कुछ नहीं बोला। हम बताते, यस दे सेड वन थिंग अबाउट, आप आगे क्या बोलते, हम बोलते, डोंट रिकॉर्ड। हाँ बोल रहे हैं, अरे सुनने दीजिए, आपका किसी को बारे में नहीं बोला। सुनिए, सुनो मेरी बात, सुनो आप बोलिए, सुनो हम दे देते हैं जवाब, प्लीज आप सुन तो लीजिए। आपके सुना है क्या बात, आप ये आप सीट में जाइए तो वहाँ खड़ा होना नहीं चाहिए, वहाँ खड़ा होना नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके कोई आप छोड़ देना, अरे वो ठीक है, हो गया भाई ब्रजेश जी उनके नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात करते हो, अरे बात सुनो मेरी, हाँ बोलते कमाल है, कुछ नहीं रिकॉर्ड करी महोदय, अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए आप बोलिए, हाँ बोलिए आप बोलिए महोदय, शांत हो जाइए, जाइए फिर आइएगा मत, अब बोलिए महोदय क्या हो रहा है, साइलेंस साइलेंस, है भाई सुनिए, रुकिए बोलने दीजिए हमको। ये ब्रजेश पाठक जी ने उठाया और बीजेपी के साथियों ने भी ठीक उठाया था, ये सर्टेन मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक मीडिया के सवेरे से मेरे यहाँ आए थे और डेली ये आदमी लोग पूछते रहता मायावती जी बनेगी कि नहीं, हमने कहा इस अभिजात वर्ग का जो वर्चस्व है इस देश में, दलित की बेटी पिछड़ा और मुस्लिम को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने देता, ये मैंने कहा है। मायावती जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है मैं जानता हूँ, अब ये लोग टिकट सियोर करने के लिए और ये दिखाते रहते, मायावती ने हाल के चुनाव में हमारे उम्मीदवार को मतदान किया, भाई प्रधानमंत्री की इच्छा है, सबकी इच्छा है, देखिए कौन बनने देता, कौन मुलायम सिंह यादव को, कौन लालू यादव को, कौन मायावती को, कौन माइनॉरिटी के लोगों को, किसी को कोई बनने देना चाहता है, और PM साहब तो इसमें अपवाद हैं, प्रधानमंत्री जी, और फिर ये अकाली दल के लोगों को सोचना चाहिए। वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह, हम गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह के, उस धरती से हम लोग आते हैं,
इसलिए गुरु का, देवी देवता सारे धर्मों का सारा आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोग अच्छा काम करते हैं। इसलिए महोदय हाई डेट और एनर्जी, अरे दास गुप्ता जी नहीं है सीपीआई के नेता मल्होत्रा जी, नायडू जी बात सुनो भैया, आप लोग बहुत मोबाइल करते रहते हो, तुम्हारा पार्टी स्टेबल रहो। मैं जानता हूं कि कांग्रेस से आपका संघर्ष है, मैं जानता हूं सीपीएम के लोगों का तीन राज में लड़ाई है, बात समझिए असली बीमारी। अरे बीमारी असली, व्हाट इज द रियल डिजीज ऑफ द सीपीएम की, इनका डिजीज है कलकत्ता में कांग्रेस से लड़ाई, ये तो हमको एक वो दे करके अपना काम निकाल लेते हैं। अरे तो एक ही ने दिया और हम बिहार का 70 लाख बिहारी का वोट आपको करवाया, क्या बात कर रहे हैं। और रियल डिजीज है, बीजेपी के साथी लोग भी आप लोग सुन लीजिए, आपका तो कहीं फिट में है ही नहीं। केरला में इनका लड़ाई है, केरल में कांग्रेस से, एक बोलते थे कि ऐन मौका पर जब चुनाव का टाइम आएगा तो हम लोग सरकार से अलग हट जाएंगे, क्या जनता में हम मुंह दिखाएंगे, क्या स्लोगन रहेगा। महोदय इस देश में जो आपने लकीर खींचा है, महोदय स्पीकर साहब मैं आपको बोलता हूँ, नहीं मैं हमको मत लिया, नहीं नहीं मतलब मैं बोलता हूँ, ये आपका दायित्व है, आप गार्जियन हैं, और ज्योति बाबू को उन्होंने साफ साफ आपने इशारा किया है, जवाब आपको देना पड़ेगा, हमारी तो लड़ाई इनसे है, रहता ही लड़ेगा। हम अडवाणी जी को गिरफ्तार किया, रथ को रोका और डीएसएबलाइज करने के लिए बीपी सिंह को हटाने का इन लोगों ने काम किया, और सन 77 में दोहरी सदस्यता के सवाल पर मोरारजी भाई के सरकार को भी हम लोगों ने हटाया, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, भाई अजीत सिंह नहीं है, अजीत सिंह जी नहीं है, अजीत सिंह जी, अरे बनाया सो बोला, अरे बनाया क्यों बनाया, नहीं क्यों नहीं, बात सुनो, आप बैठिए, आपको क्या पता है, आप कहीं अमेरिका में घूमते होंगे, मेड इन अमेरिका घड़ी पहनते हो, बच्चे 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 और रिलेशन अमेरिका में काम करते हैं, यहाँ अमेरिका फोबिया, अमेरिका फोबिया, बहुत लोग बोलते अमेरिका आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ, ये तरह आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा, कौन लड़ा है, लाठी रैली हमने किया था, हमारा दल पटना में, हमने कहा तेल पिला के आओ, और तेल पिला के आओ इराक युद्ध के समय में, और अमेरिका में दुनिया भर में बुश के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, और शक्ति का और कुरान में लाठी का चर्चा है, ये शाहनवाज जानते होंगे, कौन पढ़ते होंगे, हमने महोदय राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था बूश हटाओ दुनिया बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये आइडेंटिफाइड अमेरिका ये है लोग, हिम्मत नहीं हुई, इतिहास से रिकॉर्ड है, हम राज्यसभा के मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी सारे लोग, सीपीआई सीपीएम के सारे लोग अमेरिका के एक्शन को कंडेम करने के लिए कि भारत सरकार हस्तक्षेप करो, कंडेम करो, भारत कल दुनिया का गुरु हो सकता है, एशिया को लीड करो और कंडेम करो अमेरिका के एक्शन को, नहीं मत हुई इराक के खिलाफ, नहीं लिख पाए, रिकॉर्ड की बात है, और लिखा डिप्लोर भेलोर, यह है तो आपकी हिम्मत, और मैं अडवाणी जी नहीं है, सुनते होंगे आप बताना, ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर एनडीए, कल जो उन्होंने भाषण किया महोदय, एक सब अमेरिका के खिलाफ नहीं उच्चारण हुआ, नहीं बोले, डील परमाणु के खिलाफ नहीं बोले, कहां चले गए, कम्युनल वायरस निकालना शुरू किया, कम्युनल वायरस छोड़ना शुरू, चले गए फिर हिंदुत्व के, और मल्होत्रा जी उसी राह पर चले गए महोदय,
हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाली शक्तियां यहाँ बैठी है। और पोखरण का ठीक जिक्र किया कल प्रणव बाबू ने, सारे लोगों ने, 2 महीना में ये कहां से बनाए थे, ये फोड़ने का क्रेडिट लेने का इकोनॉमिक सेंक्शन हो गया, ईंधन परमाणु पर रोक लगी, आज भी रोक है, हमने कहीं दस्तखत नहीं किया है महोदय। और ये सारे लोग, ये तालबोट है, कोई तालबोट जी, तालबोट जी, तालबोट जसवंत जी या तालबोट क्या लिखा कि पूरा इसमें पढ़ लेना, आप पढ़े हुए हो, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दे के सुनना, रेलिवेंट पार्ट को मैं पढ़ता हूँ। ये क्या बीजेपी के माननीय सदस्यों को ठीक आराम गोपाल जी ने कि जब कोई सरकार जाती है तो जो मंत्रिमंडल रहता है, केयर टेकर रहता, आप लोग आउट होइएगा, सो बात यह नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तालबोट जसवंत बिजबिली टेकन अबैक संडे वेमम इंसिस्टेड दैट वाजपेयी हैड मेड एन सिविल डिसीजन, मैंने इसको पीछे हट नहीं सकने वाला डिसीजन वाजपेयी जी ले चुके हैं, और कब और कहां इसका अनाउंसमेंट हो, नॉट ओनली जसवंत सिन्हा, UNO में जाके वाजपेयी जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि CTBT पर दस्तखत करना है। सब बहन से कहा फंसे हुए हैं जोर साहब, जोर साहब आप मूक दर्शक हैं, आपने हमको समाजवाद का पाठ पढ़ाया था, मुलायम सिंह को पढ़ाया था, आप कहां बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये है इसमें महोदय, ये है ये मूल घाट, ये हमारे गुप्ता जी CPI के नेता गुरदास जी भाषण कर रहे थे, TV पर इंटरव्यू आया था, हमको रोटी चाहिए, रोटी लगता है भूखे हैं इतना दिन, रोटी कहाँ से आएगा गुप्ता जी, हाँ 7 साल से लगता खा ही नहीं है, रोटी कहाँ से आएगा। देशवासियों, संसद के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, रोटी आएगा तो आसमान से नहीं आएगा, रोटी वहां से नहीं छलकेगा, इंडस्ट्री नहीं छलकेगा, रोटी आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा, आधारभूत संरचना। और यही हमारी कमी है भारत में कि हमने अपने आधारभूत संरचना का सृजन नहीं किया आजादी के 7 साल के बाद, जिस पर हमारा UPA गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन है। पावर, जब पावर की बात होती है, BJP गवर्नमेंट, उत्तराखंड खंडूरी जी का मंत्रिमंडल निर्णय लेने वाला था, हाइडल का 2-2 प्रोजेक्ट कैबिनेट में आया था, अभी कोई प्रोफेसर साहब बैठ गए आमरण अनशन पर, वापस लेना पड़ा, विश्व हिंदू परिषद बैठा, अब उनके कारण उसको हटाना पड़ा। जब जब इस देश में, चाहे हमारा वो जो टेहरी डैम हो या मानसरोवर हो, गुजरात से जो डैम मारा पानी, कनाल का पानी, नर्मदा ये जब आ रहा है, माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी खड़ा हो जाते हैं और दिल्ली का शासन हिलने लगता है, मेधा पाटकर बहन आ जाती है, NGO आ जाता है, प्रदूषण की बात होने लगती है, तो रोटी आएगा गुप्ता जी, तो इनकलाब मुर्दाबाद एडी अलगा के भाषण करने से बोलते बोलते आपने बाल पका दिया,
मैं भी आपके साथ पाइपलाइन में लगा हुआ हूँ। इसलिए बात वो नहीं है, मैं जानता हूँ कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सीपीएम गवर्नमेंट। कलकत्ता के शासन से आप खुश सीपीआई नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। मैं आगे भंडाफोड़ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा कोशिश होगा कि आपको अभी रिझाते रहे। वो दूर के मुसाफिर आ जाओ। हाँ साथ ले लो, इसमें कहने हरे भाई। आप कहाँ चाह रहे हैं? आप नहीं जवाब दे पाइएगा देश को। ये लाल झंडा, हरा झंडा, बोलो केसरिया, बोलो है, मुड़ी डलाने से नहीं ना होगा। वोट करिएगा, पकड़ा जाइएगा। आप भाषण करिए, वॉकआउट होकर चले जाइए। बात ये हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। ये सरकार को आपका समर्थन मजबूत था, इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। जितना दिया जाए कम है, लेकिन समूचा दिया हुआ ये सब आपका धन्यवाद। समूचा आप लोग बुरुज करने जा रहे हैं, खत्म होने जा रहे हैं। ये पाडवानी जी क्या बोलती है भाई? अमेरिका के खिलाफ भी कुछ नहीं बोले, डील के खिलाफ नहीं बोले, यूरेनियम के खिलाफ नहीं। रीनिगोशिएट करेंगे, हम आएंगे तो आने कहा है आपको कि आएंगे। देहात में भोजपुरी इलाका का, भोजपुरी का बहुत इलाका है महोदय मजबूत। भोजपुरी में एक कहावत है आज से नहीं कि पुतवो मीठा भतरो मीठ। पुतवो मीठ मैंने सन इज ऑल्सो स्वीट एंड हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। हम किसका कसम खाएं? एक तरफ बेटा है, दूसरे तरफ पति है। हम कसम खाएं तो किसका कसम खाएं? ये आडवाणी जी का इनका हाल है। चले गए, हिंदुत्व का नारा देते। जिन हिंदुओं के माता पिता सास ससुर स्वर्गवास कर जाते, सच्चा हिंदू वही है, उनके माता और पिता बिहार के गया में विष्णुपद के पेड़ों पर प्रतीक्षा करते कि मेरा संतान आया कि नहीं पिंडा देने। आप में से कितना आदमी गया पिंडा देने? पिंडा ना करो, कितना आदमी पिंडा किया? हाथ उठा बताओ जिनके मर गए हैं। हमने देखा माता पिता, अरे हमारा हिंदू फिल्म, हमारा धर्म है कि हम आजकल मैं देखता हूँ, अरे हरिद्वार में पिंडा ग्रंथ आप पढ़ो ना बाबा, आगे ग्रंथ पढ़ो विश्व, वहाँ हरिद्वार में नहीं होता, हरिद्वार में नहीं होता, विश्व मंदिर वहाँ है। इसलिए महोदय, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीपीएम के साथियों को कि अभी से भी संभलिए, कल भी हम लोग रहेंगे। ये देश को तोड़वाइए नहीं, ठीक कहा मुलायम सिंह यादव जी ने, ये बाबरी मस्जिद गिराया लोगों ने, अच्छा धाम को गिराया। और आतंकवाद की आप चर्चा करते हैं, अफजल गुरु, अफजल गुरु, अफजल गुरु, ये अफजल गुरु का जो गुरु थे दुनिया में, जो नामी और ग्रामी जो टेररिस्ट हैं, वो मौलाना अजहर मसूद को किसने छोड़ा? जवाब देना पड़ेगा। जहाज लेके कौन गया, कौन गया वहां देश को? कौन गया? और ये नेता बच्चा, बैठो बैठा भी बच्चा है, बैठो बैठो बजा खड़ा उल्टा है, ठीक है, हो गया, बैठे हो गया, हो गया। महोदय बोलिए, महोदय ठीक है, ठीक है, चलिए।
अरे यार बैठिए, बोलना होगा बोलना, बैठिए। हम इल्ड नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट इल्डिंग, प्लीज टेक योर सीट। आप बोलते रहिए, आप ओनली योर स्पीच विल बी रिकॉर्डेड, नो अदर। मेंटल डेंटल महोदय, आतंकवाद ये सबसे बड़ा हमारा पार्लियामेंट के ऊपर हमला, अक्षरधाम पर हमला, टेररिस्ट से बड़ा वो भी टेररिस्ट है जो आस्था के जगह को, बाबरी मस्जिद को शहादत करके गुजरात को जलाने का काम किया, दुनिया में सर झुकाने का काम किया। मुलायम सिंह ने ठीक कहा, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद क्या सीपीएम सीपीआई के लोग लाल किला को आप गिरवाना चाहते? लाल किला गिरवाना चाहते? सरकारें रहेगी, आएगी और जाएगी, आज सारा देश देख रहा है। कौन है धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, कौन है सेवियर ऑफ द मुस्लिम? लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है जी, कमरलाइज करना चाहते हो वोट बैंक के लिए। देश का ये पूरा पाकिस्तान अमेरिका के मामले में अमेरिका के साथ डील के साथ है। चीन ने किया, रूस ने किया, ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी हमारी यहाँ की आइडियोलॉजी नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी गांधी बाबा की आइडियोलॉजी है। हम सत्य न्याय के सहारे, हमारे पुरखों ने जालियाना वाला नरसंहार, शहीदों का शहीद भगत सिंह कुर्बानी देके हमने ब्रिटानी सरकार को सात समुंदर पार किया। वो आइडियोलॉजी पुरानी पड़ गई है सलीम साहब, जार खत्म हो चुका है, रानी महारानी की बात खत्म हो गई है, भगत सिंह और सुभाष श्लोक सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजादी के लड़ाई के दिनों में जो साथ नहीं थे, आप उनका साथ दे रहे हो? पता करो किसके साथ आप जा रहे हो आजादी के। देश हमारा, मैं बताना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालू यादव, जितना ही वोट आज होने वाला है 290 से बेसी, ये सारे देशभक्त हैं। और हम किसी भी कीमत पर, कहीं भी महोदय, ये जो प्रोविजन है 45 कंट्री है, उस कंट्री में हम किसी से ले सकते हैं, हम अपना सामान ले सकते हैं, जो सप्लाई ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, रूस से ले सकते सामान ले सकते हैं महोदय, और कोई खैरात में नहीं। अगर किसी देश को नहीं सूट करता है तो जो 14 सेक्शन है उसमें डाइवोर्स करने का भी प्रोविजन। ओके, गुड बाई, टाटा। आजकल डाइवोर्स बहुत होता है, इसलिए कि अरेंज मैरिज नहीं हो रहा, बेकार था बात हो रहा है, इसलिए डाइवोर्स का भी प्रोविजन है। डाइल्यूट करते हैं आप, कंफ्यूज करते। हाँ ठीक है, याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है यह हमारा आशीष महोदय, लेखा ये रेलवे का टर्न अराउंड बात कर रहे थे आडवाणी जी। देखिए आडवाणी जी, ठीक है, कोशिश है, अपना करते हैं, करना चाहिए, पाइपलाइन में रहना चाहिए, लेकिन लाल किस आडवाणी वाजपेयी जी नहीं ना है। वाजपेयी जी का कुछ वोट दूसरे ढंग से भी मिलता था, अब ये सब जुट गए हैं। सुना मायावती जी का नाम, अरे मायावती जी का नाम, ये बीजेपी का, ये सारा नाम सुन के ये सब आपस में आईसीयू में नहीं गए हैं, मैंने स्वस्थ लोग रहे हैं, कोशिश करते रहे। हम पर सीबीआई का केस नहीं चल रहा क्या? हमारे बीएसपी के साथ ही चले गए, अब मत आना वोट के समय तक।
आप स्वाभिमानी लोग हो मत लड़ना, चुप जाओ। मैं पर सीबीआई का केस हम पर चल रहा, हमारा 24 एमपी महोदय लोकसभा का एक भी फेवर हमको कोई बता दे कि कांग्रेस और प्रधानमंत्री जी ने या सोनिया जी से हम कोई फेवर लिए हो, केस हमारे खिलाफ सीबीआई लड़ रही है। लालू यादव रावणी देवी पर जब केस हुआ तो ये केस रिकॉर्ड है, यहां निकाल के देखे बहुत है, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन को नाम यहां लिया गया कि मुख नंबर पर कौन आदमी का नाम है। स्वर्गीय गुप्ता जी नहीं है, होम मिनिस्टर थे, सेना बुलाया गया हमको गिरफ्तार करने के लिए इस देश में। सीबीआई के खिलाफ हम बोलते रहे, सीबीआई का इस्तेमाल किसने किया, ये कौन लोग थे। महोदय आज केस हमारे ऊपर है, अगर सीबीआई पर प्रभाव डालती सरकार, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को, ये फॉल प्ले करने वाले लोग नहीं है। कैसा दूध का दूध पानी का पानी फैसला होगा। मायावती जी पर अगर केस है तो उन्होंने अपना कागज पत्र बनाया है, ठीक ही बनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर ने जब कांग्रेस की कोई बात थी, गवर्नर ने तो अप्रूवल नहीं दिया, हमारे खिलाफ तो गवर्नर अप्रूवल दिया। इसलिए आजकल राजनीति में फैशन हो गया कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहा जाता कि सरकार फंसा रही है, सरकार फंसा रही है। फंसाने से कोई फंसता है? फंसाने से नहीं फंसता। मैं विरोधी था बादल जी को जब कैप्टन ने केस किया था, ये लेग पुलिंग नहीं होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ केसबाजी मुकदमाबाजी हमने कभी भी नहीं सराहा और न आज करते हैं, और बिहार में हमारे साथ हुआ हो रहा है। बहुत सारी बातें ये सब चलते रहती है महोदय, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी, देश का निष्ठावान प्रधानमंत्री जी और सक्रिफाइस सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी, नौजवान नेता उदयमान, कालावती नाम रहे थे, कालावती नाम गांव की बेटियों का है, ये मखौल उड़ा रहे थे, डंपी पंपी नाम रहता तो इनको अच्छा रहता, ये डिमोरलाइज करना चाहते, डिमोरलाइज करना चाहते, बोलना जाना चाहिए, अवसर है। इसलिए देश के किसान भाइयों को हम बिजली देना चाहते। महोदय कोयला नहीं है आपके पास, बाहर से कुकिंग कोल हम ला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया, वासरी में जाता है प्लांट चलने के लिए दादा, और ये हमारे पास कोयला का भी स्टॉक नहीं है, और कोयला ढोते ढोते हमारा रेल का पहिया किया गया है। फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम मनमोहन सिंह जी नहीं बढ़ाते हैं, किरासन तेल का दाम नहीं बढ़ाते हैं, दुनिया में हमको जितना जरूरत है भारत में नहीं है, बताना नहीं चाहिए था आप लोगों को। आपने कितना बार बढ़ाया, कितना सब्सिडी हम दे रहे हैं, और तेल की बात तो लोग भूल गए, हम जो भी कमाई कर रहे हैं हमको तेल के मामले में हम चुसा के हमारा पैसा बाहर जा रहा। चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर जी बैठे हैं, ये यहां देश के किसान गरीब मजदूर नौजवान गेहूं चावल मक्का बंपर खेती काम का अधिकार, बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो 100 दिन का, हमारी सरकार ने गरीबों को काम का इंतजाम, क्या बोलते हैं काम नहीं मिला, गुप्ता जी बोलते हैं जॉब नहीं मिला, सड़कों का निर्माण, राज्यों को राज में हम ही मुख्यमंत्री रहे, रावणी देवी भी रही है, दिल्ली से पैसे नहीं मिलते थे,